इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें, 18 प्लस ओनली। समझे? मैं समझाता हूँ। गेमिंग का मजा लो, रिस्क मत लो, जरूरत से ज्यादा मत खेलो, और अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना? A23Cares, चलो साथ खेलें रिस्पॉन्सिबली। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को जूरो रिटायर्ड हाई बैट करके दिखाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना भाई। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम आप लोग को जूरो रिटायर्ड हाई अमाउंट से, मतलब कम अमाउंट से आप लोग को हाई बैट लगा कर दिखाते हैं और विन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फुल देखना, तभी आप लोग को मज़ा आएगा। चलिए हम आप लोग को जूरो रिटायर्ड ओपन करते हैं और आप लोग को अर्निंग करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट वहाँ पर यहाँ पर देखते हैं वेटिंग फॉर नेक्स्ट राउंड, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जैसे मतलब ख़त्म होता है ऐसे ही हम आप लोग को मंकी पे, पांडा पे, पीकॉक पे, पीजन पे, ठीक है भाई, चार टेबल पे लगा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बैट स्टार्ट हो गया है, आप बैट करते हैं और आप लोग को अर्निंग करके दिखाते हैं। स्ट्रीम देख सकते हैं वन बाई वन, मतलब ईगल एक, पीकॉक एक, ऐसे ऐसे करके चला रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई इन्वेस्ट लगा रहे हैं और फुल अमाउंट मार रहे हैं, ठीक भाई। टोटल मिलाकर चार बैट पे मंकी है, पांडा है, पीकॉक है और पीजन है। तो इन चारों बैट पे हमने पूरा फुल अमाउंट मारा और देख सकते हैं हमारा कौन सा पड़ा, पीजन पड़ चुका भाई। देख सकते हैं प्रॉफिट हमारा कितना का है, 6080 का जो है अर्निंग हुआ है एक ही बार में। देख सकते हैं हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया पहले ही राउंड में। आप लोग देख सकते हैं कितने का जो है हाई अमाउंट लगा रहे हैं तो हाई विन हो रहे हैं, और लो अमाउंट लगाया जाएगा तो लो विन हो जाएगा, ठीक भाई। जैसे ही आप लोग बैट करते हैं वैसे ही के हिसाब से। तो आज मंकी पे और पांडा पे और पीकॉक पे, ठीक भाई, तीन टेबल पर लगा देते हैं और इस बार देखते हैं विन होते हैं या लॉस होते हैं, ठीक भाई। तब देख सकते हैं हमारे अमाउंट में कितने रुपये हो चुके हैं और बैट लगा देते हैं यहाँ पर मंकी, पांडा और पीकॉक पे। चार तीन बैट पे लगाया और इस बार हमारा देख सकते हैं कौन सा पड़ेगा, देखते हैं भाई कौन सा पड़ेगा। तो देख सकते हैं भाई सोलो पड़ा और सोलो पे हमारा देख सकते हैं पैसे नहीं लगा था तो लॉस हो गया। कोई बात नहीं, अभी हमने 6000 जो विन किया है अभी हम प्रॉफिट में ही है। देख सकते हैं 2700 का जो है लॉस हुआ है। तो इस बार हम देख सकते हैं आप लोग को बैट करने का जो है तरीका बता रहे हैं कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री में कैसे कैसे चला रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ईगल एक, ठीक है भाई, ईगल और रैबिट और फिर से ईगल शार्क, देख सकते हैं एक बार आया 24 गुना। और उसके बाद देख सकते हैं नीचे में पीकॉक है, ठीक है भाई, पांडा मंकी और पीकॉक और रैबिट, ठीक है भाई। देख सकते हैं रैबिट आया है तो शायद इस बार रैबिट को दे देगा। तो देख सकते हैं कौन सा पड़ेगा, 700 वाला जो हमारा मंकी पड़ गया 8 गुने वाला। अब प्रॉफिट देखना, 3155 रुपये का जो है अर्निंग हुआ एक ही बार में। देख सकते हैं कितने का जो है प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह जो है हम हाई अमाउंट लगाएंगे तो हाई विन होंगे। ज़्यादातर यहाँ पर आप लोग को अर्निंग करने का बेस्ट तरीका है आप लोगों को मंकी और रैबिट, स्वेलो और पीजन। तो ज़्यादातर आप लोग को उन्हीं पर मतलब बैट नहीं करना है, कभी कभार ईगल और पीकॉक और लॉयन और पांडा इस पर आप लोग को बैट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रैबिट पर लगाया और पीकॉक पे और यहाँ पर लॉयन और पांडा, देख सकते हैं टोटल मिलाकर यहीं चार टेबल पर लगाया। इस बार हमारा देख सकते हैं लॉस होता है या विन होता है। देख सकते हैं भाई यहाँ पर 12 गुने वाला पड़ चुका है हमारा लॉयन। तो लॉयन पे आप प्रॉफिट देखना, 400 लगा था तो 1380 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर 1380 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ पहले ही, मतलब देख सकते हैं मैं ज़्यादा अमाउंट लगा रहा हूँ तो ज़्यादा विन हो रहा हूँ और कम अमाउंट लगाऊंगा तो कम विन होगा। तो इस तरह आप लोग को बैट करना है मेरे भाई।